ओम शांति। आप सबको स्वागत है। आज हम कर रहे हैं 9 सितंबर के ईश्वरीय वरदान की रिकॉर्डिंग, जहाँ परमात्मा पिता चाहते हैं कि हम एक भरोसे पर रहें। एक ऐसी अविश्वसनीय शक्ति जिसको हम देख करके भरोसा नहीं कर सकते हैं, पर जिसको हम समझ करके, मान करके भरोसा कर सकते हैं। अंग्रेजी में कहावत है, सीइंग इज बिलीविंग या बिलीविंग इज सीइंग। या तो आप देख लें उसके बाद में आप भरोसा करें, या आप एक अदृश्य ऐसी ऊर्जा में भरोसा करें जिसको आप देख नहीं सकते हैं लेकिन हाँ आप उसको फील कर सकते हैं। जैसे आप हवा को फील कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं, ये तो त्वचा की बात हुई। लेकिन एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी अदृश्य शक्ति जिसको कि आप क्वांटम फिजिक्स कह सकते हैं, मेटाफिजिकल एनर्जी कह सकते हैं, इन्फाइनाइट सोर्स कह सकते हैं, इन्फाइनाइट फील्ड कह सकते हैं, इन्फाइनाइट गॉड कह सकते हैं, इन्फाइनाइट पावर कह सकते हैं, इन्फाइनाइट लाइट कह सकते हैं, आप जो भी आपको अच्छा लगे आप वो कहें। लेकिन ये ऐसी शक्ति है जिसके साथ में आप तभी जुड़ सकते हैं जब आप अपने आप को इस शरीर और शरीर के महत्व या शरीर के जो अटैचमेंट्स हैं या शरीर के जो टाइटल्स हैं उनसे आप दूर कर लेते हैं। जब आप अपने आप को जीरो समझते हैं, मैं कुछ नहीं हूँ, कोई नहीं हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं है, मेरे को किसी चीज़ से कोई भी प्यार नहीं है और मुझे कोई भी चीज़ से, कोई व्यक्ति से, ना कोई चीज़ से मुझे कोई 100% खुशी मिल सकती है। जब आप इस चीज़ को आप जान लेते हैं, पहचान लेते हैं और इसको आप मान लेते हैं और चीज़ों से, लोगों से खुशी मांगना छोड़ देते हैं, उस समय आपको महसूस होता है कि आप एक्चुअली इस शरीर से अलग हैं और ये शरीर और शरीर की चीज़ों से आप अलग होकर के भी खुश और सुखी रह सकते हैं। तो उसी तरीके से परमात्मा कहना चाहते हैं हमारे इस वरदान में कि अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ, अब बाप कहो, क्वांटम एनर्जी कहो, क्वांटम फील्ड कहो, सुप्रीम पावर कहो, लाइट कहो, ऊर्जा कहो, अल्लाह कहो, जिहोवा कहो, आप जो भी अपने भरोसे से और बिलीफ से मानते हैं आप उनको उस तरीके से समझें। तो परमात्मा कहते हैं दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले। अब दुआओं का हाथ तो ऐसे नहीं, भगवान के तो अपना शरीर है नहीं कि जो आपके ऊपर, शरीर के ऊपर आप कैसे हाथ रखेंगे। तो भगवान का हाथ मतलब उनकी जो ऊर्जा है, जो इन्फिनिट एनर्जी है, उसको आप एक बहुत ही कंसंट्रेटेड फॉर्म में अपने ऊपर आप खींच सकते हो। और वो ताकत तब होगी आपके अंदर जब आप कंप्लीटली अपने बॉडी कॉन्शियसनेस, मतलब कि अपने देह के अभिमान और देह से जुड़ी हुई चीज़ों से सुख शांति खुशी छोड़ना या मांगना छोड़ देते हो, तब आप वो हाथ को अनुभव कर पाओगे कि हाँ, एक बल, एक भरोसा, मैं सिर्फ एक के ऊपर निर्भर, बाकी चीजें नहीं। और ये तभी पॉसिबल है जब आप महसूस कर पाओगे कि आप इस शरीर से कुछ अलग हो। वो कैसे होगा आपको एंड में पता चलेगा, तब तक ले सुनते रहिए। तो परमात्मा कहते हैं वाले विघ्न विनाशक भवा, आप विघ्नों को भी विनाश कर सकते हो। लेकिन वो कब हो सकता है? विघ्न विनाशक वही बन सकते हैं जिनमें सर्वशक्तियां हों, मतलब कि आपको सहन करना चाहिए, आपको सहन नहीं किया, आपने बोल दिया चिल्ला करके, आपको कम बोलना चाहिए था लेकिन आपने बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे दिया। क्यों दिया? कहीं वो इंसान रूठ ना जाए, कहीं वो इंसान धोखा ना खा जाए, कहीं वो इंसान आपसे दूर ना चले जाए, कहीं वो इंसान आपकी रिस्पेक्ट कम कराना शुरू कर दे। तो हम कभी कभी ज़्यादा बोल देते हैं या ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देते हैं या ज़्यादा खुलासा कर देते हैं, या हम किसी के दबाव में आ जाते हैं या किसी के अभाव में आ जाते हैं। परमात्मा चाहते हैं कि ये सब कुछ बंद हो। उसको कहते हैं शक्तिशाली, कि ना कोई व्यक्ति, ना कोई सिचुएशन आपसे कुछ भी कमजोरी में ला करके आपको कोई भी कदम आपसे उठा पाए। जैसे कि हम कहते हैं ना कि हम तो बेहाल हो चुके हैं, हमारे पास तो और कोई जरिया नहीं है, आप ही हमारी मदद करें, ऐसी बातें करने से आप अपनी शक्ति को किसी और को दे देते हैं। परमात्मा कहते हैं सर्व शक्तियों को समय पर कार्य में लगाओ। कितने भी रूप से माया आए लेकिन आप नॉलेजफुल बनो, माया आए लेकिन आप नॉलेजफुल बनो, बाप के हाथ और साथ का अनुभव करते हुए। परमात्मा का हाथ, अब बात, हाथ तो आपने समझ लिया होगा, परमात्मा का हाथ मतलब वो अनंत ऊर्जा, वो अनंत विजडम, वो अनंत विवेक जो कि तरंगों से आता है और आपकी ना आंखें पकड़ सकती, ना आपका मुख, ना आपके कान पकड़ सकते हैं तरंगों को, लेकिन आपकी ऊर्जा, जो आप ऊर्जा हैं, जो आप एक शक्ति हैं, एक इन्फिनाइट बीइंग है, आप एक ऊर्जा बन करके उस तरंग को आप पकड़ सकते हैं, उस विजडम को आप खींच सकते हैं अपने पास, नहीं तो कोई और जरिया नहीं है। आप दुआएं करते रहें, मांगते रहें उस ऊर्जा से, लेकिन वो मांगने से मिलता नहीं है। परमात्मा कहते हैं बाप के हाथ और साथ का अनुभव करते हुए कंबाइंड रूप में रहो। कंबाइंड तभी रह पाएंगे जब हम अपने आप को ऊर्जा मानेंगे और उन ऊर्जा से हम जुड़ेंगे। रोज अमृत वेले विजय का तिलक स्मृति में लाओ,
विजय का तिलक। अब तिलक यहाँ लगाते हैं और यहीं पर आत्मा बैठी होती है और यहीं पर रूह बैठी होती है, यहीं पर सोल है, यहीं पर एक इन्फाइनाइट एनर्जी है, क्वांटम फील्ड है, जो कि उस अनंत क्वांटम फील्ड या एनर्जी इन्फाइनाइट सोर्स से कनेक्ट हो सकती है, जिसको आप जिस भी नाम से पुकारें या जिस भी नाम से माने। तो फिर परमात्मा कहते हैं, या अल्लाह कहते हैं, या क्वांटम फील्ड कहते हैं, या इन्फाइनाइट एनर्जी कहते हैं, रोज अमृत वेले विजय का तिलक स्मृति में लाओ, अनुभव करो कि बाप दादा का की दुआओं का हाथ मेरे मस्तक पर है, तो विघ्न विनाशक बन सदा निश्चिंत रहेंगे। कोई विघ्न महसूस ही नहीं होगा आपको, आप निश्चिंत रहेंगे। ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हम महसूस करें, जिसको हम देख नहीं सकते, उसको हम कैसे बिलीव बढ़ाएं, उसके ऊपर भरोसा कैसे बढ़ाएं, ये चीज़ें एक्सपीरियंस करने वाली होती हैं। और ये चीज़ें आपके फर्स्ट डे से ही स्टार्ट हो जाती हैं ब्रह्मा कुमारी में एक्सपीरियंस होनी, और आपके साथ में जादू होना शुरू होता है, प्रोवाइडेड कंडीशन अप्लाई। आप अपने आप को आत्मा समझ करके, एनर्जी क्वांटम फील्ड समझ करके हर कार्य करें, तभी इसके साथ ओम शांति।